ठीक है मत, हम इसने ले जाओ, मैं अपने साथी है तो मिले आऊँ। साढ़े ग्यारह हो लिए, इप्ती नहीं आया, बेरा ना कद्दा आओगा। कितनी देर होगी मैंने बाट देखती ने, बेरा ना आओगा कि ना। हेलो मीना जी, क्या हाल है मेरी जान, मेरा जिगर के थल्ले। राम राम। के बात, हंस के राम राम भी ना लेंदी तू तो। के हंस के राम राम लू तेरी, घर ना आई ने तो लुगाई सारी तेरी तारीफ करे थी। खुद तेरी माँ तेरी बुराई करे थी। मेरी माँ के बुराई करे थी? नू कवे थी ना तू पढ़ा लिखा, ना तू के मैं काम दाम करता, दुनिया के सारे उल्टे काम तू करे है। अर तने शर्म आई, तू आज सुहागरात आले दिन भी दारू ठोक आया। अरे यार, बिना लुगाई का आदमी आवारा पशु हो जाया करे। अरे मेरी जान, ये मेरी जिंदगी में तू आ गई, ये मैं हर काम वो करूंगा जो तू कहेगी, मैं तेरी हर बात मानूंगा। ठीक से शाना, जब तक तू के मैं काम नहीं कर लेता ना, पीसे नहीं कमा लेता, मेरे तब बात मत करिए, दूर रहिए। ठीक से, इब जब तक मैं कि मैं ना कमा लेता, ना कुछ बन लेता, मैं इस घर में ना बढ़ूं, इस घर में तो के मैं तो ना अपनी शक्ल भी ना देखा। हाँ भाई, हो गया तैयार? हाँ भाई, सारा प्रोग्राम सेट हो गया, इब लागण दे जाम। हाँ भाई श्यामलाल, आदेश ने जनाब। क्या कर रहा है? ये पुलिस चौकी है या तेरा घर है? कुछ है? नहीं जनाब। सो है, नाके नहीं आया था क्या? जिंदगी में मैं नहाया नहीं कभी। ले भाई, इसे इसे पुलिस में भर्ती हो जाए, जिंदगी भरनी ना। राम राम साहब। राम राम भाई, राम राम। कैसे आया? साहब, एक आदमी ने रोड के बीच में टेंट लगा जाम ला रखा है। अच्छा। और सारे आदमी दुखी हो रहे हैं। अरे उड़े ट्रैफिक वाले कोने के? ना साहब, उड़े कोई कोना। चलो भाई, अपाने चलना पड़ेगा। हाँ जनाब। चलो भाई, यो काम अपाने करना पड़ेगा। चलो जनाब। के कर रहे सो? यो रोड जाम क्यों कर रखा सा तुमने? थानेदार साहब। हाँ। महाराजा विक्रमजीत का दरबार दिखाऊं सु? अच्छा। उसमें खंडेराव पर ही मन मन के डूंगे मारा से। अच्छा, और भी किमें दिखावा से? हाँ थानेदार साहब। के महाराजा विक्रमजीत तो तबला बजावा से, और खंडेराव पर ही नाच नाच का सबने अमृत पिलावा से, और जिसने वो अमृत पी लिया वो कदे नहीं मरेगा। अच्छा रे, साची कैसे? और कुछ ना दिखा तो? थानेदार साहब। हाँ। ना दिखा ने है तो जो आप सजा दोगे वो मन मंजूर से। ठीक है, तू एक और न हो मने देखन दे। डटो थानेदार साहब, देखन दे पहला मेरी दो शर्त से। फिर बतावे ना के शर्त से? सारा रोड जाम कर रखा थानेदार साहब, पहली शर्त तो या से अग देखन के लागेंगे 500 रुपये, और दूसरी शर्त या से जो अपना असल बाप का होगा उससे न दिखेगा, ना तो ना दिखे। रे पागल के बच्चे, असली बाप का सू तू मने नकली बाप का लगा रहा से। थानेदार साहब, असली बाप की तो जब जान पटेगी जब अपना महाराज विक्रमजीत का दरबार दिखेगा, और खंडेराव पर ही आपने अपने गोरे गोरे हाथा थे अमृत पिलावेगी। अच्छा, ये पकड़ 500 रुपये और साइड में हो जा। We'll be right back.
आज यो के होया मेरी गेल, आज ताई तो ऐसा कदे ना होया, कुछ भी दिखाई ना दे रहा, ना दरबार ना परी और ना अमृत, आज मेरी गेल है या के बनी। थानेदार साहब खांडे राव परी दिखी। जै मैंने न्यू कह दी, अगर मैंने किमें नहीं दिखा तो सब न्यू सोचेंगे मैं असल बाप का नहीं। अरे हाँ हाँ दिखी, खांडे राव परी गच थी। थानेदार साहब हाँ, आपने तो देख ली, मैं भी देख लूं। देख ले फिर उल्लू के पट्ठे। रुक भाई रुक। हाँ भाई। पहला 500 रुपये दे देखण के। ले भाई 500 ले भाई। कोड़ा होकर देखूं, घना मजा आवेगा। हाँ भाई, खांडेराव परी किसी लगी? साहब आप दोनों तो जी सा ले गए, मैंने भी देख लेन दो। तू भी देख ले, देख देख तावड़ा देख। डट भाई। हाँ भाई। 500 रुपये दे ले। हाँ भाई कुछ दिखिया? मैं के आराम का भी हूँ। हाँ हाँ साहब देख ली। साहब देख ली, आ गया जी सा, हो गए पैसे वसूल। ईब थम तीनू सवरक लोग के अधिकारी सो। हवलदार जी साहब, इसका एड्रेस नोट करो। हाँ भाई क्या नाम है तेरा? जी चालबाज। और तेरे बाप का क्या नाम है? जी धोखेबाज। धोखेबाज की औलाद तो साली धोखेबाज पावेगी। जनाब इसका सारा पता एड्रेस नोट कर लिया सर। मेरे को दे। ठीक है भाई, तुम ऐसा करो, ये अपना ताम झाम हटाओ इसको, ताकि रोड खुला हो। चलो भाई चौकी में चलो। हवलदार जी। जनाब भाई एक बात बुझूं, साची बताओगे? साची बताओगे साहब करती, बुझो। भाई तुम नवराजा का दरबार और खांडेराव परी साची में दिखी थी? साहब आपने कि मैं दिखा? श्यामलाल मैं तेरा सीनियर हूँ, मैं तेरे से पूछ सकता हूँ, तू साची बता तने कि मैं दिखा कि नहीं दिखा। जयराम तन्ने भी कुछ दिखा उसमें? देखा तो आपने भी है साहब, पहला आप बताओ। अरे राम जादो, मैं तुम्हारे से पूछता हूँ, पूछो कुछ, तुम बताते कुछ और हो, तुम सच क्यों नहीं बताते, तुम्हें कुछ दिखा कि नहीं दिखा? देखो भाई एक का जगह काम करना, हर अपना एक का जगह उठना बैठना है, एक दूसरे के दुख सुख के साथी हाँ, और ई मेरी बात सुनो, चाहे तुम मन असली बाप का बेशक मत मानियो भाई, मन न उसमें कुछ नहीं दिखा, ना तो मैंने राजा का दरबार दिखा, और ना मैंने नाच गाना दिखा, और ना वो अमृत पिया भाई। साहब दिखा तो हमने भी कुछ क्यों ना? के बकरे सो, हम साची के रहे साहब जी। तुमने भी कुछ नहीं दिखा? ना जी। अच्छा वो चालबाज धोखेबाज का छोरा हमने पागल बना गया, कोई बात ना, जागा कित। तुम मैंने एक बात बताओ, तुमने यह बात मेरे आगे पहले क्यों ना बताई? थानेदार साहब हाँ, पहले तो आपने देखा था, आपने मारे तक कही थी, आप भी देख लो, छो तो मारे भी बतेरा उठा था। ठीक से उसका पता तो मारो तो रसे, जागा कित राम का पिल्ला। साहब हाँ, पुलिस तो चलाकी कर कास्ताई, कोई बचा है? कोई नहीं बचा। न्यू कर, आज कोई कंप्लेंट तो आई नहीं, और दे हंसी मजाक की बात, कोई चुटकुला सुना? चुटकुला सुनाऊं साहब? हाँ बढ़िया सुनाइए। गगाटा उठे। सुनो फिर। हाँ सुनाओ। हे
अरे हैं नुआ करता रहेगा के कुछ सुनाओ भी गा। यही तो चुटकुला है। जयराम। हाँ जी भाई तू सुनावेगा? मैं सुनाऊंगा जनाब। सुना बढ़िया है चुटकुला सुनाइए। आसिया वे बढ़िया ले जनाब। हाँ सुना। एक बेरोजगार आदमी था। एक बेरोजगार आदमी कोई काम नहीं। अच्छा। एक अपने दोस्त दौरे गया। अच्छा। बोलिया भाई कोई काम बता। हाँ। नू बोलिया भाई कोई काम नहीं चिड़िया घर में लाग रहा था साहब वो। अच्छा। नू बोलिया कोरोना में चिड़िया गरीब बे खुली है मैं खाली पड़ा हूँ। अच्छा कोरोना टाइम की बात है। हाँ जी मेरी तनख्वाह मुश्किल बने है। अच्छा पा में पड़ेगा। नू बोलिया जी कोई काम बता दो। नू बोलिया भाई और तो कोई काम है नहीं। अच्छा। ये एक भालू का बाड़ा है। अच्छा। भालू गुजर गया था सुबेरे 7 बजे तक लेके और सांझ ने 7 बजे तक भालू की ड्रेस पहन के तन्हाड़ा रहना है। अच्छा। सांझ ने 200-300 रुपये तने दुआ दूंगा। बहुत अच्छी बात। पब्लिक तने मूंगफली माफली अमरूद देगी पेट जागा तेरा भर। अच्छा। 2-3 दिन साहब वो उड़े रहा। किसी ने अमरूद दिए किसी ने मूंगफली दी उसका पेट भर गया। और वो भीड़ सी मच्ची लुगाई पताई आई। अच्छा। उसने अंगाई आ गई कदे बाज के इस जाल का चपट जा साहब कदे बाज के उस जाल का चपट जा। अच्छा। और जो बराबर आला बाड़ा था साहब वो था शेर का। अच्छा वो बराबर आला बाड़ा था वो शेर का था। गद्दे सी जब उस जाल का चपटा वो जाल ही टूट गया। ओ। शेर आले बाड़े में जा पड़िया। अब शेर आया अपने एक्शन में बालू हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। नू बोलिया शेर मन्ने मत खाइए मेरे तो बालक रुल जाएंगे मर जाएंगे भूखे मैं आदमी हूँ बालू को नहीं। अच्छा। शेर बोलिया चुपचाप अपने बाड़े में चला जा दो नुआ की नौकरी ने खतरा शेर में भी को नहीं। अवलदार श्यामलाल। जनाब तू कई बार नू कहा करता साहब मने छुट्टी दे दो आज तू छुट्टी कर ले घर के जितने भी काम से ना निमटा का आ जा सुबेरे 9 बजे ड्यूटी पे पक्का आ जा। ठीक है जनाब। जयराम। जी जनाब। तेरी ड्यूटी भाई जो भिवानी स्टैंड का चौक है वहां पे है ट्रैफिक जाम लग जाता है वहां पे ट्रैफिक जाम मत लगने दे। जाऊं जी जनाब।